यस, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जिससे हम लोग बात करते हैं जेई मेंस एंड नीट एग्जाम। ठीक है, जेई मेंस की बच्चों बात करी जाए या फिर आपकी नीट एग्जाम की बात करी जाए, तो बायोमोलिक्यूल से आपका जनरली वन क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एवरी ईयर मतलब किसी न किसी एग्जाम में आपको मतलब मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक क्वेश्चन तो आपको 4 मार्क्स का बिल्कुल 100% आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल से जो चैप्टर है, मतलब वैसे तो बहुत आसान चैप्टर है बट कॉन्सेप्चुअल है कुछ जगह, है ना, तो इसको हम बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स का जो बेसिक पार्ट है, में पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है, ठीक है, उसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, दी स्टडी ऑफ केमिकल केमिकल मेकअप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग मैटर एंड ऑफ द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस विद इन देम इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो पहले देखो, हम थियोरिकल सेक्शन है पूरा चैप्टर, तो इसको हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो देखो, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि हम बात बेटा करेंगे कि स्टडी ऑफ केमिकल मेकअप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग मैटर्स। ठीक है, ऑफ दी जो भी आपकी केमिस्ट्री में जो हम चेंजेस देखने को मिलेंगे, दैट टेक प्लेस विद इन देम इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आपको किस तरीके से मिलेगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो रेगुलेट करने वाले कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे बच्चों बात करते हैं अपन कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है, जैसे बात करते हैं लिपिड्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो हमें जो जिन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जो आपकी ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे बॉडी को, ठीक है, रेगुलेट करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसके बारे में हमें काफी डेप्थ में पढ़ना है, इसकी स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज और आपकी रिएक्शंस। नेक्स्ट बच्चों हम लोगों को पढ़ना है लिपिड्स के बारे में, ठीक है, लिपिड्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है प्रोटीन्स और लास्ट हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो बेसिक पार्ट है वो आपको पता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से रिलेटेड जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जो बेसिक एनर्जी के सोर्स होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटीन्स के बारे में पता है जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, आपका जो अमीनो सॉरी अब मैं आपका जो अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग देखेंगे कि वहां से प्रोटीन्स किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो डिफरेंट आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, डीएनए आरएनए, ठीक है, और उन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज को जो रेगुलेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट हेडिंग लेते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? तो बच्चों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली हम जब बात करते हैं तो ये प्लांट प्रोडक्ट है। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है,
इसमें हम जो नेचुरली ऑकरिंग जो आपके प्लांट सब्सटेंस है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें एक आपका कैन शुगर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके हम बात करते हैं तो आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका स्टार्च हो गया, ठीक। तो इस तरीके से कुछ बेसिक आपके जो एग्जांपल हैं, ठीक है, जैसे आपका कैन शुगर है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये सारे के सारे आपके प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली आपको जो प्रिंसिपली प्लांट्स प्रोडक्ट्स ही होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके ये लार्ज नंबर ऑफ जो नेचुरल ऑकरिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो आपके एग्जांपल्स के तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो ज्यादा बात करनी है बेटा, वो ग्लूकोज के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, वो हमें ग्लूकोज के बारे में ज्यादा स्टडी करनी है। तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, तो इस पर भी बात कर लिया जाए। तो बेटा इसको हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट सी, यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज जेड, आप एक्स ले सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, नाउ दिस इज बाई, ठीक है। तो ये आपका होगा जनरल फॉर्मूला फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से, लेकिन इसको हम इस जगह, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है और कार्बन दिख रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल का मतलब बच्चों क्या होगा, हाइड्रेट, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, हाइड्रेट। तो कंप्लीट इसको हम क्या बोले, दिस इज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट्स का विशेष तो बोलेगा ना कार्बो, कार्बो का मतलब क्या है, कार्बन। हाइड्रेट्स का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन हो, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। आप मेरी बात समझ रहे होगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी बोल सकते हैं, बिकॉज बिल्कुल इसका जो जनरल मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, उसमें कार्बन है और आपका वाटर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल समझ में आ गया, करेक्ट। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं आपको स्टेट कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर बच्चों हाइड्रोलिसिस किया जाता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल डाल लेंगे अपन लोग, तो यहाँ से जो आपका प्रोड्यूस होगा, दैट इज दी पॉली, बिकॉज इट इज ए पॉलीमर, राइट, दिस इज ए पॉलीमर, ठीक है। तो यहां से आपका प्रोड्यूस होगा पॉली हाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा, या फिर मैं बोलूं तो बच्चों पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, इन सब के जो स्ट्रक्चर्स हैं अपन लोग बात करेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी को समझ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के हाइड्रोलिसिस से या तो बच्चों एल्डिहाइड का सेक्शन आपका जनरेट होगा, पॉलीहाइड, तो हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है, OH ग्रुप, जहाँ पे कार्बन की चेन होगी उसके पास बहुत सारे OH ग्रुप अटैच किए जाएंगे, है ना, वो कितने होंगे अपन बात करेंगे। और उसके साथ आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा, अच्छा, या फिर आपका कीटोन प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, वो आपका कीटोन होगा। बाकी हाइड्रोक्सी का मतलब तो बेटा वही है, OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, कार्बन की स्टेट चेंज होगी उसके साथ, या फिर जो रिंग वगैरह प्रेजेंट होगा उसके साथ। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल करेक्टर, फिजिकल अपीयरेंस भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग, सबसे फर्स्ट पार्ट बच्चों आता है इसका शुगर, है ना, फर्स्ट पार्ट इज दी शुगर। शुगर की हम बात करते हैं तो शुगर बेसिकली आर द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जिसको अपन लोग घर के अंदर बेसिकली यूज करते हैं, आप बिल्कुल जानते होंगे। तो शुगर इज द बेसिकली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फेज में मिलता है, स्मॉल क्रिस्टल्स की फेज में वो मिलता है। बाकी इसकी टेस्ट की बात करी जाए तो आपका ये स्वीट, ठीक है, स्वीट नेचर को होल्ड करता है। और अगर इसको हम वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व करते हैं तो बच्चों इजिली वाटर मॉलिक्यूल्स में ये डिजोल्व भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, पहले हम इस पर बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे शुगर के साथ जो आपका मॉलिकुलर वेट है वो आपका यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, फिक्स्ड मॉलिकुलर वेट है। और शुगर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके शार्प मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट इज ए क्रिस्टलाइन, है ना, इफ इट इज ए क्रिस्टलाइन इन नेचर, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपका बिल्कुल शार्प मेल्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इरेगुलर नहीं होगा, रेगुलर आपको देखने को मेल्टिंग पॉइंट, कोई ना कोई एक रेंज नहीं मिलेगी।
शार्प का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर डिफाइन होगा, एक यहाँ पे रेंज नहीं होगी, जैसे अमॉर्फस वगैरह में डिफाइन करते हैं सॉलिड स्टेट में, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे शुगर के कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं, शुगर के एग्जाम्पल्स अगर बात करी जाए तो एक तो आपका आ जाता है बेटा ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज इज ऑल्सो एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सुक्रोज भी एग्जाम्पल हो सकता है, नेक्स्ट इज लैक्टोज, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूँ, आप ध्यान दो, यहाँ से आपके जो कॉमन एग्जाम्पल शुगर के, एक तो ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज एंड आपका लैक्टोज, हमें पढ़ना है इन सभी चीजों के बारे में। तो ये शुगर की बेसिक मैंने प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे, करेक्टर्स के बेस पे। अब इसमें आपका जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है, एक तो शुगर हो गया, दूसरा पार्ट आपका कार्बोहाइड्रेट का हो सकता है, तो नॉन शुगर भी इसको बोल सकते हैं। तो नॉन शुगर में देखो, तो शुगर क्या था, आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये करता है एमॉर्फस को, ठीक है, एमॉर्फस फेज को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करी जाए तो बच्चों ये होते हैं टेस्टलेस, ठीक है, टेस्टलेस, ठीक है। जैसे वो आपके स्वीट नेचर को होल्ड कर रहा था, तो ये आपके टेस्टलेस होने, कोई भी पर्टिकुलर आपका टेस्ट डिफाइन नहीं होगा। बाकी हम इनसॉल्युबिलिटी विद वाटर मॉलिक्यूल्स करते हैं, तो आपके ये होते हैं इनसॉल्युबल, वो आपका सॉल्युबल था वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ये होते हैं इनसॉल्युबल, है ना। नॉन शुगर की एग्जाम्पल देंगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आए कौन कौन से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट में, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वहां पे क्या था, शार्प मेल्टिंग पॉइंट था, एक फिक्स वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या होता है, रेंज होती है, ठीक है, एक रेंज में आपका मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा। रेंज का मतलब है वेरिएबल, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपका वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, जैसे चलो एग्जाम्पल समझते हैं तो समझ में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आपका स्टार्च, ठीक है, स्टार्च, स्टार्च इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार्च एक्चुअली नॉन शुगर, ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, आप इसको इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि स्टार्च इज एक्चुअली नॉन शुगर, इट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट बट नॉन शुगर कैटेगरी में आएगा। ये आपका इनसोलेबल होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स में टेस्टलेस होगा, एमॉर्फस होगा, पाउडर फॉर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है, यह आपको पाउडर की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके मेल्टिंग पॉइंट की प्रॉपर्टीज को भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्लासिफिकेशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं तो उस केस में ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं कौन कौन सी कैटेगरी में डिफाइन होगा, तो देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों इसकी थ्री कैटेगरीज जनरली डिफाइन होती हैं। फर्स्ट आता है मोनोसैकेराइड, फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड। सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, इट इज ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। इसी तरीके से नेक्स्ट बच्चों आता है थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं, नाम से बड़ा समझ, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, वन। पहले आप थ्योरी को समझ लो, मैं आपको बाकी बताऊंगा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए जाएंगे। नेक्स्ट आपका ओलिगो की बात करी जाती है, तो ओलिगो देखो यहाँ पे जो ओलिगो है ना, मोनो का मतलब वन होता है, तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब एक से तो अधिक ही होगा कुछ नंबर्स के बारे में। बाकी पॉली की बात करते हैं, तो पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो बेसिक पार्ट ये समझ में आना चाहिए कि जब हम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को पानी में डिजोल्व करेंगे जहां से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये बन का मतलब क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोडक्ट को लेके, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स, अगर वहां से एज ए प्रोडक्ट आपका सिर्फ वन प्रोडक्ट मिलता है तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। एक से अधिक मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर आपको प्रोडक्ट मिलता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस तो उसको ओलिगो बोलेंगे। पॉली का मतलब है मैनी, जहां पे आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल मैं दूंगा अभी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को पानी में डिजोल्व करें, वहां से अगर आपको एक से अधिक का मतलब मैनी, मैनी का मतलब ओलिगो से भी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलो अब इसे कुछ एग्जांपल्स हैं ना, उसको देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यस, तो फर्स्ट अपन लेते हैं मोनोसैकेराइड। ध्यान दो बच्चों, मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं कि भाई यहां से तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, और आपको पता है यहां से हम हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कराने वाले हैं, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपका इसके साथ मिक्सअप होगा
तो सिर्फ आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि इट इज ओनली वंस टू ब्रेक, ठीक है, वंस टू ब्रेक, सिर्फ एक बार ही ब्रेक होगा। तो एक बार जब ब्रेक होगा तो वहां से आपको जो बनेंगे प्रोडक्ट वो आप ध्यान समझो, तो यहां से आपको सिंपलर यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी, यहां से आपको सिंपलर यूनिट्स देखने को मिलेंगी। वो यूनिट या तो आप बेटा आपकी यहाँ पे पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकती है, या फिर आपकी पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन हो सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से समझो, मोनोसैकेराइड्स में क्या है, हम जब पानी में डिजोल्व करेंगे इसको तो वहां से मैंने लिखा कि ओनली वंस टू ब्रेक, ये भी एक बार ब्रेक होगी, वो ब्रेक होने के बाद ये फर्दर ब्रेक नहीं होने वाले, तो वहां से आपको सिंपलर यूनिट्स मिलेंगी किसकी, या तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की या फिर पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन की। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में क्या होगा, हाइड्रोक्सी का मतलब ओएच ग्रुप होगा, एल्डिहाइड का मतलब आपका जो आपका बेसिक पार्ट है सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिलेगा इस पीएचसी के अंदर। और पीएचसी में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको कीटोन एक मिलेगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, बाकी हाइड्रोक्सी मतलब ओ एच ग्रुप तो आपको मिलेगा ही। मेरी बात समझ में आ रही है, जिसके कॉमन एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड के, आप एक तो ग्लूकोज, इस सब रिएक्शन में आपको डिस्कस करूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप थ्योरी देख लो, ग्लूकोज इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मैनोज, मैनोज डबल एन आएगा, ठीक है, मैनोज भी इसका एग्जाम्पल है। तो ग्लूकोज एंड मैनोज बोथ आर द मोनोसैकेराइड्स, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर। ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें और भी डिफरेंट कैटेगरीज आपको देखने को मिल सकती हैं, कैसे हम भी बताएंगे कि मोनोसैकेराइड्स में एक तो बात करके एक बार पानी में डालेंगे तो एक बार आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कार्बन के बेस पे भी डिफाइन करते हैं, इसमें आपका ट्रायोज आएगा, टेट्रोज आएगा, पेंटोज आएगा, हेक्सोज आएगा, वो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मोनो के बाद ना अपन अब बात करते हैं सेकेंड इज द ऑलिगोसैकेराइड, सेकेंड इज स्ट्रक्चर को मैं एक साथ आपको बताऊंगा, ठीक है, पहले आप यहाँ पे थ्योरी देख लो। ऑलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो जब हम ऐसे सुगर, ऐसे पर्टिकुलर सुगर जिनका हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिफाइन कर रहे हैं, तो यहां से आपको टू और मोर देन टू, यस टू और मोर देन टू, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं टू और मोर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये आप मेरी बात को समझो ध्यान से कि ऑलिगोसेक्राइड्स में क्या होगा बेटा, वो इस टाइप के सुगर को पानी में डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व करने के साथ दो या दो से अधिक, ठीक है, आपके मोनोसेक्राइड्स आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। दो या दो से अधिक अगर आपको मोनोसैकेराइड्स देखने को मिलते हैं तो इस टाइप के हम जो गिवन कंपाउंड्स है उसको अपन ऑलिगोसैकेराइड्स बोलेंगे, मतलब बेसिक पार्ट है कि फर्दर क्लासिफाइड हो जाएगा, मतलब फर्दर डिसोसिएशन हो जाएगा। इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो आपका डाई कॉमा ट्राई और टेट्रासैकेराइड, ठीक है, तो डाई ट्राई टेट्रासैकेराइड्स इस कैटेगरी कुछ आपके एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये फर्दर डिसोसिएट होने, अब डाइसैकेराइड्स की बात करी जाए तो उसको भी थोड़ा सा अपन डिस्कस एक बार कर लेते हैं। डाइसैकेराइड्स की बात करी जाए, ध्यान दो बच्चों, डाइसैकेराइड्स की बात करी जाए तो ये इस टाइप की शुगर हैं, ये आपके प्रोड्यूस करते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट मोनोसेक्राइड, ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस होगा, लिख सकते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपके वहां से सेम या फिर डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स को प्रोड्यूस करेंगे। हम डाइसेक्राइड्स के बारे में पहले बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका सुक्रोज, अच्छा एग्जाम्पल इसका आपका मिल जाएगा सुक्रोज, सुक्रोज इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो जहां पर अगर सुक्रोज, सुक्रोज भी है और हम बात करें तो आपका माल्टोज, यस माल्टोज भी इसका एग्जाम्पल आएगा। नेक्स्ट इज अ लैक्टोज, ये भी इसी का, अब इनका करा के देखेंगे अपन, है ना, तो देखेंगे क्या क्या प्रोड्यूस होगा। तो जैसे सुक्रोज की बात करो आप, बिल्कुल समझ ध्यान से, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो, वाटर मॉलिक्यूल से ऐड करते हो, तो यहाँ पे सुक्रोज के साथ हम लोग ऐड करते हैं बच्चों इन मतलब एसिड, तो एसिडिक मीडियम को फॉलो करते हैं, साथ में हम इनवर्टेज, ठीक है, इनवर्टेज एंजाइम्स का हम यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, यहाँ से आपको ग्लूकोज मिलेगा C6H12O6,
ये आपका यहाँ से ग्लूकोज हो गया, और सेकेंड पार्ट आपको फ्रक्टोज मिलेगा, मतलब वो भी सेम फॉर्मूला होगा C6H12O6, ये आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। तो आपने यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझा होगा कि ये जो आपका जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये डाइसैकेराइड सुक्रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको मैंने हाइड्रोलाइज कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन एच डी मीडियम में। आप एच प्लस आयन ले लो या फिर आप इन्वर्टेज ले लो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से ग्लूकोज मिलेगा और बाकी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन, मतलब टू यूनिट्स आपको मिल रही है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर? यस। इसके बाद बात करते हैं चलो माल्टोज, उसको भी रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। तो माल्टोज का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, माल्टोज की बात करेंगे अपन तो बेटा C12H22O11, अगर इसके साथ हम वाटर मॉलिक्यूल्स फॉलो करेंगे, आप एच प्लस साइन ले सकते हो एसिडिक मीडियम। मैं बोलूंगा बेटा ये जो रिएक्शन है ना, इनको आप प्लीज मेमोराइज करना, बिल्कुल सिंपल सा है, आप दो तीन चार बार देखोगे आपको बिल्कुल फिट हो जाएगा। इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म भी मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले आप यहाँ पे समझो बेसिक थ्योरी सेक्शन, या फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो माल्टेज एंजाइम, ठीक है, माल्टेज आप फॉलो कर सकते हो, है ना, माल्टोज से आप माल्टेज याद रखते हो। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 moles ऑफ C6H12O6, तो 2 moles आपको यहाँ से ग्लूकोज, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, माल्टोज हो गया, आपका बात करते हैं लैक्टोज की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल इज द लैक्टोज। तो अगर लैक्टोज की बात करें तो यहाँ से हम देखेंगे क्या प्रोड्यूस होगा, फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 प्लस 2 water molecules यहाँ पे अपन यूज करेंगे, ये आपका लैक्टोज है, और एंजाइम्स आपका लैक्टेज, ठीक है, लैक्टेज, या फिर हम फॉलो कर सकते हैं एच प्लस एन एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से आपको मिलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज मिलेगा मतलब C6H12O6, इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ आपका गैलेक्टोज भी प्रोड्यूस होता है। अब गैलेक्टोज क्या होता है उसको भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, वन सेकेंड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गैलेक्टोज, तो यहाँ देखते हैं, तो वो भी आपका C6H12O6, ठीक है, ये होता है गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि ये जो आपका डाइसैकेराइड्स है उसको हम समझ सकते हैं, तीनों एग्जांपल सुक्रोज से, माल्टोज से, लैक्टोज से, तीनों ही रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बात समझ भाई। इसी तरीके से बच्चों आपका आता है ट्राइसैकेराइड्स, उसको भी थोड़ा समझते हैं एक बार। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं हम लोग ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड्स की बात करी जाए तो यहाँ से आपको देखो ट्राई का मतलब क्या है, 3, तो 3 units ऑफ सैकेराइड्स आपके यहाँ से मोनोसैकेराइड्स क्रिएट होंगे। अब वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था इसके पहले जो एग्जांपल्स देखे थे, या तो आपकी सेम हो सकती हैं या फिर आपकी डिफरेंट हो सकती हैं, वही मोनोसैकेराइड्स यूनिट। जब आप ट्राईसैकेराइड्स को पानी में डिजोल्व करोगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे, तो फिर प्रोड्यूस होंगे। तो देखते हैं जरा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, रेफिनोज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है, ठीक है, RAFFINOZE, रेफिनोज। तो जो रेफिनोज है इसके अगर फॉर्मूले की बात करी जाए, इसका फॉर्मूला होता है C18H32O16। इनके साथ अगर आप 2 moles ऑफ वाटर को यूज करते हो रेफ्रोनोज के साथ, ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा 3 units। एक तो मिलता है C6H12O6, ये यहां से आपका होगा ग्लूकोज। सेकेंड आपको मिलेगा गैलेक्टोज C6H12O6, ये आपका यहाँ से हो जाएगा गैलेक्टोज। ग्लूकोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलता है C6H12O6 ना, ये होता है आपका फ्रक्टोज। तो देखो रेफिनोज को अगर आप पानी में डिजोल्व करते हो, ये ट्राइसैकेराइड से, देखो 3 different units मिल रही है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड आपका फ्रक्टोज। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आपसे पूछ सकता है कि कौन सा आपका यहाँ पे डाइसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स है, ट्राइसैकेराइड्स है, उनके एग्जांपल्स पूछ सकता है, उनके मॉलिक्यूल फॉर्मूले भी डिस्कस कर सकता है, एच प्लस कौन कौन से बनेंगे प्रोडक्ट, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज इन बातों को बिल्कुल आपको ध्यान से रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आपका आ जाएगा नेक्स्ट, थर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज दी पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड्स के भी एग्जाम्पल्स को ध्यान रखेंगे हम। पॉली का मतलब है मैनी, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके एज ए मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होंगे जब हाइड्रोलाइज करेंगे हम पॉलीसेक्राइड्स का।
मतलब बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर प्रोड्यूस, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल इसका होता है स्टार्च सेलुलोज, तो स्टार्च सेलुलोज की बात करें तो फोनो बेटा होगा C6H10 आता है, O5, बाकी यहाँ पे स्मॉल n, n जो है ना वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ऐसे ना यहाँ पे बहुत सारी नंबर्स हैं इस फॉर्मूले को होल्ड कर रहे हैं C6H10O5 को, इसको हम स्टार सेलुलोज बोलते हैं। और इसके साथ हमें n मोल्स ऑफ वाटर लेना पड़ेगा फॉर द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस, तो यहाँ से आपका n मोल ऑफ C6H12O6 दिस इज द ग्लूकोज, ठीक है, तो n मोल्स ऑफ ग्लूकोज आपके यहाँ से प्रोड्यूस, n का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है मैनी, ठीक है, तो बहुत सारे आपके इनफाइनाइट टाइप में आपको यहाँ से ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, फिर बात करेंगे इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर क्या है नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो चलते हैं बच्चों बाकी चीजों को समझने के लिए, स्ट्रक्चर इसके किस तरीके से डिफाइन होंगे। यस, तो अब जब हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपन ग्लूकोज से, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टी, जैसे मैं इसके अगर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा C6H12O6, तो हम इसके डिफरेंट प्रोजेक्शन के लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने बच्चों बोला है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैसे होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, कैसे होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि भाई हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है OH ग्रुप, OH ग्रुप यहाँ पे मिलेगा, कितने कार्बन आपको मिल रहे हैं, देखो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, बाकी आपके 6 क्या दिख रहे हैं ऑक्सीजन दिख रहे हैं, है ना। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसको अरेंज करते हैं, तो आप ऐसा करो ना 6 कार्बन है, कार्बन के चेन्स को बना लो, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 देखो ना बिल्कुल सिंपल सा समझ में आएगा आपको एक बार में, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं फर्स्ट सेक्शन मैंने बोला, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं, तो कीटोन और जो एल्डिहाइड है दोनों को लेके हम लोग देखेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं इसके एल्डिहाइड सेक्शन को लेके, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। तो क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे मैंने बनाया सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये आपका एल्डिहाइड सेक्शन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से समझना, ओ एच को मैं पहले फॉर्म कर रहा हूँ, दिस इज ओ एच एंड वन नंबरिंग कर लो यहाँ से, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड होगा, ये 2 ये 3 4 पे आपको ओ एच इधर, 5 पे भी आपको ओ एच इधर, और लास्ट में आपको ये होगा सी एच 2 ओ एच। आप बिल्कुल ध्यान से समझो यहाँ पे, बाकी जो बची हुई बैलेंस है यहाँ तो बैलेंस पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, इधर एक हाइड्रोजन आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पे देखो मैं बेसिक क्या कर रहा हूँ कि ये जो भी आपको दे रखे हैं स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर को हमें पहचानना है। तो देखो होता क्या है कि हम इसके पहले अगर एल्डिहाइड सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, डी ग्लूकोज होगा कि एल ग्लूकोज होगा, ये भी हम बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें देखो हमें फोकस क्या करना होता है, डी ग्लूकोज पहचानना है, एल ग्लूकोज पहचानना है। तो आपको ध्यान देना है कि कार्बन के साथ नीचे की तरफ से OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऊपर कोई से भी कितने भी कार्बन की चेन हो डजंट मैटर, नीचे यहाँ पे आपका CH2OH आपको यहाँ से पकड़ना है। अगर आपका OH देखो OH आपका जो राइट हैंड साइड है, OH आपको दिख रहा है ना हाइड्रोक्सी सेक्शन, ये वाला हाइड्रोक्सी सेक्शन ये आपके राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, तो मतलब अगर राइट हैंड साइड में होगा है ना, तो डेफिनेटली हम बिल्कुल फोकस इसी सेक्शन को फोकस करेंगे, जितना मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ किया है इसी सेक्शन को फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे OH पे आपको जाना है, तो अगर OH राइट हैंड साइड में होगा तो इसको अपन बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन। एल कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में पड़ रहा होगा कि भाई यहाँ से कार्बन का हाइड्रोजन हो जाए, इधर कार्बन की इतनी बड़ी चेन हो, आपका OH लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाए, नीचे आपका CH2OH इस तरीके से लिखा हो, आपको यही सेक्शन पकड़ना है जहाँ पे OH आपको देखो कहाँ मिल रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये कहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपको उधर का अगर आपका डी कॉन्फ़िगरेशन था तो ये आपका हो जाएगा एल कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो नीचे से पकड़ते हैं, जरा ध्यान दो यहाँ पे CH2OH नीचे दिख रहा है, देखो ये वाला OH कहाँ पे दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ना, तो अगर ये OH अगर आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है तो बिल्कुल बात समझ में कि ये आपका डी कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, तो ये जो गिवन कंपाउंड है इसका नाम डी ग्लूकोज होगा, बिल्कुल बात आपको मेरी समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, दिस इज डी ग्लूकोज। बाकी देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि भाई OH को सर आप लेफ्ट राइट कैसे लगा रहे हो, क्या रूल्स है इसका, तो देखो मैं इसके लिए बिल्कुल आपका ये सारी नेचुरल ऑक्सीजन सबस्टेंस है
यूनिक सबस्टेंस हैं, तो इनके हम बिल्कुल ट्रिक्स यहाँ पे एक बता देते हैं आपको, समझ में आ जाएगा। दो, सबसे पहले आपने यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने एल्डिहाइड से, ये तो सभी को समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो आपको OH कहाँ मिल रहा है, राइट साइड में R लिख लो। नेक्स्ट तीसरे कार्बन की बात करें तो लेफ्ट साइड में मिल रहा है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। फिर से देखो आपको OH कहाँ पे मिल रहा है, राइट साइड में मिल रहा है, ध्यान दो। फिर से OH कहाँ पे मिल रहा है आपको, राइट साइड में मिल रहा है, बिल्कुल मैं आसान बोल रहा हूँ। लास्ट में CH2OH आपको ध्यान रखना है, CH2OH तो यहाँ पे कॉमन रहेगा, ऊपर आपका क्या होगा एल्डिहाइड स्ट्रक्चर में आपको बिल्कुल बराबर दिख रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। बस बीच कार्बन में आपको जो OH की पोजीशन को चेंज करना है, उसको कैसे करना है वही समझने वाला पॉइंट। तो आप राइट से स्टार्ट करो, ठीक है, देन लेफ्ट, देन राइट, देन राइट, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिक्वेंस है। राइट देन लेफ्ट देन राइट देन राइट, बिल्कुल आसान है। तीन राइट में होंगे, जो सेकेंड वाला आपको लेफ्ट में दिखाई देगा OH, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया है, बिल्कुल बात समझ में आई। अब बात करते हैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के नेचर को लेके जरा, तो क्या आप मुझे बताओ यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी? तो हमने ये बात डिस्कस पहले भी करी है ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर, कि बच्चों एक कार्बन के अराउंड अगर 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं और वो कार्बन अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होगी। आप ध्यान दो, आप ऊपर से स्टार्ट करो, तो ये कार्बन देखो आपका sp3 नहीं है, या आपका sp2 है, तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता है, 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अच्छा इस कार्बन पे आ जाओ, तो इस कार्बन के ऊपर देखो एल्डिहाइड है, इधर देखो तो OH ग्रुप है, इधर देखो तो हाइड्रोजन, नीचे पूरा एक बड़ा ग्रुप दिख रहा है, तो ये जो आपको कार्बन क्या हो जाएगा, बिल्कुल काइरल सेंटर कार्बन बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलेगी और 4σ भी है, बिल्कुल। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, और ये भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे आप ध्यान दो, तो मैं बात करूं तो 4 कार्बन आपको कैसे मिलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव नेचर को शो करेंगे, बिकॉज वो काइरल सेंटर कार्बन है, काइरल सेंटर कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। Yes. तो जो पॉलीहाइड्रोक्सी जो है आपके कंपाउंड्स हैं, ये आपके बिल्कुल ऑप्टिकल एक्टिव नेचर को शो करते हैं, लेकिन जिसमें एक बहुत ही सिंपल सा एक्सेप्शन भी आता है कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें हम थोड़ा स्लिपन करें कि भाई कार्बन के कीटोनिक सेक्शन ले लिया मैंने, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे कार्बन का ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, ध्यान देना मैं 3 कार्बन को बना रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन देन आपका OH, तो दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, ध्यान दो, दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, जहाँ पे एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं और प्लस यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, कीटोन सेक्शन मिल रहा है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन लिखा है मैंने, तो 3 कार्बन के ये जो आपको दे रखा है क्या आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल नहीं, ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको हम अपन एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, आपको सिंपल सा पहचानना है। देखो एक कीटोनिक सेक्शन मिल रहा है, बिल्कुल एक हाइड्रोक्सी यहाँ पे कार्बन की चेन है, तो आपका ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन के पास देखो आपके 2 हाइड्रोजन सेम आ गए, भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 हाइड्रोजन तो सेम आ गए ना, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी नहीं मिलेगी। बट ये वाला कार्बन तो आपका ऑलरेडी कार्बोनाइल है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ तो कुछ बात बनेगी नहीं, sp3 होना चाहिए। इस कार्बन के साथ ही 2 हाइड्रोजन आपको सेम मिल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर को होल्ड करेगा, तो होल जो आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यस, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। डी कॉन्फिगरेशन क्लियर, एल कॉन्फिगरेशन क्लियर, बिल्कुल। अच्छा अब एक पॉइंट ये भी आता है कि भाई डी और एल कॉन्फिगरेशन में से जो डी कॉन्फिगरेशन है, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ऑल नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स आर डी कॉन्फिगरेशन, ठीक है, जितने भी आपके नेचुरल ऑकरिंग जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जनरली वो आपके डी कॉन्फिगरेशन को ही होल्ड करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को भी, इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनकी हम लोग सिंथेसिस की, कि भाई हम कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं, तो सिंथेसिस करने के लिए बेटा एक आपका नेचुरल प्रोसेस है जिसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस है ना, जो सनलाइट हम लोग बात करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हम लोग इसे कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो नेचर में प्रेजेंट है, प्लस ये रिएक्शन सभी को पता होती है कि भाई 12 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे अपन यूज करते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन जिसको अपन लेते हैं, ठीक है, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी O2 प्रोड्यूस हो जाएगी, प्लस आपका C6
H12 और आपका O6 ये प्रोड्यूस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। और बाकी आपका यहाँ से और क्या मिलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो 6 मोल ऑफ वाटर भी आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से C6H12O6 प्रोड्यूस हुआ है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। तीनों हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्राइड्स के ऊपर, तो ये आपका सुक्रोज भी हो सकता है, सेलुलोज भी हो सकता है, प्लस आपका स्टार्च को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इसमें से कुछ भी हो सकता है जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ। थोड़ा देखते हैं डिफरेंट फॉर्म को हम लोग ना ऑब्जर्व करते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट फॉर्म की बात करी जाए तो आपको मिलेगा ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का जो जनरल स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, बिल्कुल ध्यान से समझो। अगर मैं इसको जनरल फेज में रिप्रेजेंट करूं तो क्या है, C6 हो जाएगा, बाकी वाटर मैंने बोला था क्या, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ में 6 रिप्रेजेंट कर दिया है। बिल्कुल आप मेरी बात को समझो, ठीक है। तो यह कार्बन हो गया यहाँ से, यह आपका यहाँ से हाइड्रेट वाला सेक्शन हो गया है। इसके बाद मैं बात करता हूँ सेकेंड अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज के बाद, मैं फ्रक्टोज की बात कर सकता हूँ, ध्यान दो। मैं फ्रक्टोज की बात करूँ यहाँ से, तो आपको मिलेगा C6H12, वो भी O6 ही होगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लगभग सेम फॉर्मूले से, C6 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे आपका 6। इसी तरीके से आपका थर्ड ले सकता हूँ सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। तो सुक्रोज के फॉर्मूले की बात करें तो वो आपका रहेगा C12H22O11, और वो डिफाइन हो जाएगा आपका C12 ब्रैकेट में आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे आपका 11। बिल्कुल बात समझ में आ गई है? यस, सो दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ओके। बाकी इसके हम क्लासिफिकेशन को ऑलरेडी स्टडी कर ही चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन को हम बेसिकली 3 पार्ट में देखते हैं। पहला जो सेक्शन होता है, जहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम लोगों ने अभी देखा। सेकेंड हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे। और थर्ड क्लासिफिकेशन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो 3 डिफरेंट क्लासिफिकेशन पर हम बात करते हैं, जिसको एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चलो, नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेस पे, तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेस पे सबसे पहले बच्चों बात करी थी आप लोगों ने मोनोसैकेराइड्स के बारे में। तो मोनोसैकेराइड्स के बारे में सबसे पहले हमने जब एग्जाम्पल लिया था बड़ा कार्बोहाइड्रेट, कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स में डिजोल्व करेंगे इन एसिडिक मीडियम, तो वहां से आपको लिखा था मैंने कि मैं ब्रेक डाउन में ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा भी और नहीं भी हो सकता है, वो कितनी यूनिट्स में होगा उस पर। तो मोनोसैकेराइड्स की कर्पन स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका मोनोसैकेराइड्स रहेगा, इस एग्जांपल था ग्लूकोज, याद करो C6H12O6, नीचे आपका फ्रक्टोज ले सकते हो आप C6H12O6, या आपका फ्रक्टोज है, या आपका यहाँ से ग्लूकोज है, ठीक है। और इनको अगर आप फर्दर यहाँ पे आप एसिडिक मीडियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आते हो, भाई मोनोसैकेराइड से आपको यहाँ पे ग्लूकोज और आपका फ्रक्टोज डिफाइन किया गया। फिर अगर आप यहाँ पे आप H+ आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स यूज करते हो, तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है, ध्यान दो, नो ब्रेकडाउन। मतलब जो ग्लूकोज है, अगर उसको आप H+ आयन के एसिडिक मीडियम में अगर डालते हो पानी के साथ, तो कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करे, लेकिन फ्रक्टोज को डालोगे तो वहां भी आपको मिलेगा नो ब्रेकडाउन, यहाँ भी कोई भी रिएक्शन आपको परफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो दीज आर द मोनोसैकेराइड्स, आप इसको ऐसे भी समझ। इसके बाद मैंने बताया था आपको सुक्रोज के बारे में, सुक्रोज आर द डाइसैकेराइड्स, ठीक है, इसका फॉर्मूला था C12H22O11 ना, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज के साथ अगर हमने एसिडिक मीडियम के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यूज किया था, तो वहां से मिला था ग्लूकोज, मतलब C6H12O6, ये आपका यहाँ से हो गया ग्लूकोज, और प्लस आपका प्रोड्यूस हुआ था C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज के साथ आपका यहाँ से मिलेगा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो ये जो आपका देखो डाइसैकेराइड्स है, मतलब 2 डिफरेंट यूनिट्स आपको मिल रही है, ठीक है।
ये तो ग्लूकोज एक आपका फैक्टोर, डाइसैकेराइड्स एग्जांपल है जहां पे हम लैक्टोज देख सकते हैं और आपका माल्टोज, ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलता है। वैसे तो अगर मैं सिंपल से अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ से अगर आपका, क्योंकि तो ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो फॉर्मुलेज हैं, तो यहाँ पे जो ग्लूकोज जो माल्टोज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है ईथर लाइक लिंकेज। तो ईथर लाइक लिंकेज आपको जो मिलता है, ठीक है, तो ईथर लाइक लिंकेज के साथ अगर आपने एच प्लस आयन का एच डी मीडियम फॉलो कर दिया है तो आपको पता है ईथर डिसोसिएट होता है एल्कोहल के अंदर, टू डिफरेंट एल्कोहल्स के अंदर, ठीक है, वो आपका इस तरीके से प्रोड्यूस हो। अगर आपका आर पार्ट डिफरेंट होगा, एल्काइल पार्ट अगर डिफरेंट होगा, तो टू डिफरेंट एल्कोहल्स आपके यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो देखो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आंसर मिलेगा, लेकिन लैक्टोज या फिर माल्टोज की बात करें, बात बिल्कुल समझो ध्यान से, लैक्टोज की बात करी जाए, माल्टोज की बात करी जाए, तो उनके पास क्या होता है, ईथर लाइक लिंकेज होती है। तो ईथर लाइक लिंकेज को ही ब्रेक करना है आपको एच प्लस और एच प्लस आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो वहां पे आपके एल्कोहल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे डिफरेंट। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, यस। और बाकी आपके इसके बाद आते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स आर 3 to 10 यूनिट्स, 3 to 10 यूनिट्स के बीच में, 3 to 10 यूनिट्स के बीच में अगर आपका मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस होता है तो उस टाइप के हम जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 3 to 10 यूनिट्स, है ना, की पॉइंट है, इसको स्टार कर लें। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होगा कि भाई आपको 3 to 10 इतना तक यूनिट्स आपको देखने को मिलेगा, और पॉलीसैकेराइड्स की बात तो लार्ज आपको नंबर्स मिलेंगे, जैसे स्टार्च सेलुलोज मैंने बताया था, तो मोर देन 1000 ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, स्टार्च की बात करो या फिर आप यहाँ पे सेलुलोज की बात करो, तो इनके साथ अगर आपने यहाँ पे एच प्लस आयन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर यूज कर दिया है तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रोड्यूस होगी मोर देन 1000 ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है, मोर देन 1000 ग्लूकोज यूनिट्स आपके प्रोड्यूस होंगे, जिसका मैंने रिएक्शन के बीच पे एग्जांपल भी आपको समझाया। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेस पे खत्म। अब बात करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा एल्डोज। आपको पता है कि यहाँ पे दो ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, एक आपका यहाँ पे एल्डिहाइड वाला सेक्शन है, ठीक है, और दूसरा आपका जो सेक्शन है वो कीटोन वाला सेक्शन है। तो जो भी आपको दिखाई देगा वो एल्डिहाइड के साथ मिलेगा और कीटोन के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप ऐसे जो आपके एल्डोज को होल्ड करते हैं, ठीक है, एल्डोज को होल्ड करते हैं, तो उनको एल्डोजेस करके बोल सकते हैं। इसे ध्यान देना, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि भाई सी डबल बॉन्ड ओ एंड हाइड्रोजन, सबसे पहले आप राइट में बना दो। अरे बताया ना मैंने अभी आपको एक इजी ट्रिक बताई थी, है ना, राइट में हो गया OH, देन लेफ्ट में हो गया बेन, देन इसके बाद आपको दो जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे राइट में, और सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा CH2OH। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझो, ये जो मैं यहाँ पे ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी थी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड में OH बनाना है। देखो ये तो फिक्स है, ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे आपका CH2OH मिलेगा, बिल्कुल आसान है। पहले राइट में सेकंड कार्बन पे, फिर आपकी लेफ्ट, बाकी बचो आपके राइट एंड राइट, बिल्कुल आसान तरीका है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ किया, इसमें जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए हम इस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, एल्डोज करके बोल सकते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, यस। तो वैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर इसको ओवरऑल अगर बात करी जाए तो भाई एल्डोज प्लस टोटल कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का मतलब हेक्सोज, ठीक है, एल्डोज प्लस हेक्सोज दोनों को मिला के भी बहुत बार बोला इसका नाम होता है एल्डो हेक्सोज। क्या होता है, एल्डो हेक्सोज भी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, हेक्सोज का मतलब आपके 6 कार्बन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 6 कार्बन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसको होते हैं एल्डो हेक्सोज करके भी हम लोग बोल सकते हैं। दोनों बातें समझ में आ गई, क्लियर। अब बात करते हैं इसमें एल्डिहाइड और कीटोन सेक्शन, सेकंड जो फंक्शनल ग्रुप आपको मिलेगा, देखो तो वो भी आसान है।
आप सबसे पहले क्या करो, ऊपर CH2OH लगा दो, फिर आपका कीटोन वाला सेक्शन आ जाएगा, देन आपका कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे OH, इसकी भी मैं इजी ट्रिक आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, नेक्स्ट आपका OH एंड हाइड्रोजन एंड लास्ट वन इज CH2OH। बिल्कुल समझो ध्यान से, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वैसे मैंने बोला भी था कि नेचुरल ऑकरिंग जो आपकी आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा वो आपको डी ग्लूकोज का बेसिक फॉर्म होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बट इसके पहले जो हमारा स्ट्रक्चर था, अभी जो हमने बात करी थी, वो आपका क्या था, एल्डोज वाला सेक्शन था। अच्छा, अब इसकी बात करी जाए तो ये एग्जैक्टली क्या है, क्या ये फ्रक्टोज है, क्या है, तो देखेंगे इसको। तो पहले देखो, आप देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कीटोन। तो कीटोन यहाँ पे है आपका है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको देखो, ऊपर आपका CH2OH, नीचे भी CH2OH, तो ये देखो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जो तीन बच्चे हैं उसमें देख लो, पहले आपका लेफ्ट आ जाएगा, देन राइट, देन राइट, ठीक है, तो लेफ्ट राइट राइट, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ये आपका देखो लेफ्ट में मिल रहा है, राइट में मिल रहा है OH, यहाँ पे OH राइट में मिल रहा है ना। तो इजी ट्रिक से आप इसको समझ सकते हो। बाकी इसको हम कंप्लीट सेक्शन का कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको हम बोल सकते हैं कीटोज, ठीक है, कीटोज। अब कीटोज तो मैंने बोल दिया, वो बात समझ में आ गई, लेकिन आप यहाँ तो CH2OH के जस्ट ऊपर देखो जरा, तो OH ये कहाँ पे दिख रहा है, राइट में। अगर राइट साइड में दिख रहा है तो ये डी डी सेक्शन हो जाएगा, आप मेरी बात समझ रहे हो, ये हो जाएगा डी फ्रक्टोज, ठीक है, डी फ्रक्टोज, इसको अपन बोलते हैं डी फ्रक्टोज। अब कीटोज आपको दिख रहा है, कीटोज के साथ आपके सिक्स कार्बन भी यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं हेक्सोज, और दोनों को मिला देंगे तो बने कीटो हेक्सोज, तो कीटो हेक्सोज भी इसको बोल सकते हैं। बाकी जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपके फ्रक्टोज का है, तो डी फ्रक्टोज मैंने कैसे बोला, आपको मेरी बात समझ में आई होगी बिल्कुल। अच्छा, अब बात करते हैं, इसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा, दो कैटेगरी क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लेकर। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लेकर बात करी जाए, ध्यान दो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, इसके बीच पे जो क्लासिफिकेशन है वो आपको किस तरीके से डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायोज को लेके, ठीक है, ट्रायोज मैंने बोल ही दिया, तो तीन ही कार्बन होगी इसमें, 1, 2, 3, यहाँ पे लगा लो आप CH2OH, मैंने थोड़ी देर पहले इसका बताया भी था आपको, है ना, ये आपका यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन, बाकी डबल बॉन्ड हो देन वो, बिल्कुल आसान है, सिंपल तरीके से आपका ट्रायोज हो गया। सेकेंड बात करते हैं, मैं बोलूँ यहाँ से टेट्रोज, टेट्रोज में आपको टेट्रावर्ट दिख रहा है, मतलब फोर कार्बन आएंगे, 1, 2, 3, 4, नीचे आपको यहाँ से पता है कि CH2OH मिलेगा, यहाँ से हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन, देन हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन, यहाँ से C डबल बॉन्ड एन H, ठीक है, तो ये आपका हो गया टेट्रोज। इसी तरीके से बना सकते हैं पेंटोज, तो पेंटोज कैसे बनाया जाएगा, पेंटोज, पेंटोज की बात करेंगे तो 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4 एंड 5, लास्ट वाला तो आपको CH2OH बनेगा, बाकी यहाँ पे राइट हैंड साइड में, नेक्स्ट राइट हैंड साइड में, ये फिर से आपके राइट हैंड साइड में, और यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड एन H, तो ये आपका हो गया पेंटोज, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, यस। और ग्लूकोज फ्रक्टोज तो आपको मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ स्ट्रक्चर आपको, तो ग्लूकोज हो या फिर आपका फ्रक्टोज हो, इन दोनों को हम लोग बोल सकते हैं हेक्सोज, है ना, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे क्लासिफिकेशन, इसको अपन हेक्सोज बोल सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग कुछ और भी कैटेगरीज की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला L2 हेक्सोज करके बोला, तो वहाँ पे आपको 8 भी दिखाई देता है, तो हम लोग अभी थोड़ी सी बात करेंगे इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के ऊपर। तो ये तीनों क्लासिफिकेशन हो गए आपके यहाँ पे फिनिश। अब लेते हैं हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री जो आपकी एल्डोज की है, पहले बात करेंगे अपन एल्डोज के बारे में, ठीक है, एल्डोजेस। तो अगर एल्डोजेस के बारे में अगर हम स्टडी करें, तो आपके वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब बेटा यहाँ पे बेसिक पार्ट है कि हम लोग यहाँ पे स्टीरियो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई जो आपका एल्डो हेक्सोज है, एक पॉइंट लो, एल्डो हेक्सोज, तो एल्डो हेक्सोज में अगर टोटल में स्टीरियो कंपाउंड्स की बात करूं, तो यहाँ बच्चों निकल के आते हैं 8, कितने होते हैं 8, अब वो 8 अपन बनाएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम एग्जांपल लेते हैं, एल्डो ट्रायोज चाहिए, एल्डो ट्रायोज, तो एल्डो ट्रायोज में आपको 3 कार्बन देखेंगे, तो ये आपका 1 2
2, 3 ऊपर आपको मिलेगा एल्डिहाइड है ना, एल्डो लिखा है तो एल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप, बाकी यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, लास्ट में मिलेगा आपको CH2OH, बिल्कुल समझो। अब CH2OH के जस्ट ऊपर देखो तो ये OH कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, तो मतलब ये आपका डी फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मिरर लगा रहा हूँ इस तरीके से, इमेज जनरेट कर रहा हूँ है ना, इस फर्स्ट कंपाउंड की इमेज जनरेट करूंगा तो क्या मिलेगा, सी डबल एल्डिहाइड तो सेम पोजिशन पर रहेगा बट OH की पोजिशन बदल जाएगी। OH यहाँ पे आपका देखो राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में OH शिफ्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन और नीचे कोई चेंज नहीं होगा, वो CH2OH वैसा ही बना रहेगा। अब आप देख लो यहाँ से ये फॉर्म कौन सी हो गई, यहाँ पे OH पहुंच गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपकी एल फॉर्म होगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा स्टेटमेंट आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो गिवन फॉर्म है उस एल्डो ट्रायोज का हम लोग अगर मिरर इमेज बनाते हैं तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, तो डी फॉर्म से एल फॉर्म हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग बात करेंगे इसको, जो एल्डो ट्रायोज सेक्शन को ही लेंगे हम लोग, और हालांकि इसको जो आपका ही लिखा है इसको हम लोग डी ग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी, देन आपका यहाँ पे पॉजिटिव, देन आपका हाइफन लगा सकते हैं और लास्ट में आपका ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, जिसको हम लोग ग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ये आपका हो जाएगा एल, यहाँ पे एल, ये आपके एल फॉर्म दे रखे हैं तो एल ग्लिसरल्डिहाइड आपका ये डिफाइन हो जाएगा। तो ग्लिसरल्डिहाइड मतलब यही स्ट्रक्चर है जो सामने आपको दे रखा है 3 कार्बन का, तो हम लोग ट्रायोज को हम लोग बिल्कुल डी ग्लिसरल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक इसके स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो ये लिया मैंने CHO, देन यहाँ पे OH एंड हाइड्रोजन, ये आपका CH2OH, ये आपका हो गया है डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ध्यान दो ये आपका हो गया है डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड सेक्शन आपका फंक्शनल ग्रुप। इसके 2 डिफरेंट फॉर्म आपके जनरेट होंगे, ध्यान देना, इसमें फर्स्ट डिफरेंट फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो आपका एक कार्बन में और सपोज यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो क्या बनेगा, ध्यान देना, नेक्स्ट फॉर्म कार्बन यहाँ पे CHO, देन आपका OH, देन H कार्बन OH H और लास्ट में आपका CH2OH, ठीक है। तो ये जो आप देखो मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एडिशन, मैं एडिशन कर रहा हूँ 1 कार्बन को लेके, है ना, 1 कार्बन का मैंने एडिशन किया है, तो आप ध्यान दो इस कार्बन का अगर मैंने एडिशन किया है तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी फॉर्म इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। अब इसका नाम क्या होता है वो समझो, इसका नाम होगा आपका OH, आपको अभी भी कहाँ मिल रहा है देखो CH2OH के ऊपर राइट हैंड साइड में, ये अभी भी डी होगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा डी माइनस और बाकी आपका ये होगा E3OH। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि जब आपका एल्डो ट्रायोज दे रखा है उसके साथ मैंने एक कार्बन को ऐड किया है ना, तो ये अगर मैंने इस कार्बन सेक्शन को ऐड किया तो यहाँ से आपका जो बनेगा कंपाउंड वो होगा आपका E3OH, क्या होगा E3OH आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे भाई एक तो ये फॉर्म हो सकती है, दूसरी फॉर्म क्या होगी भाई OH को मैंने इधर जोड़ दिया, अब OH को मैं उल्टा जोड़ देता हूँ, ये कार्बन हो गया यहाँ पे CHO सेक्शन, नेक्स्ट आपका यहाँ से OH को मैंने इधर जोड़ दिया, भाई जो भी पॉसिबिलिटीज है उस पर हम बात कर लेते हैं ना, OH और H। अब देखो मैंने इसको इधर घुमा दिया OH को, आपको OH यहाँ पे राइट में, अब मैंने यहाँ पे लेफ्ट ऊपर कर दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा, तो ये देखो पहले वाला क्या था आपका E3OH था, बात समझो ये था आपका E3OH, ये जो बनेगा यहाँ पर 3OH होगा, बट ये OH कहाँ पे आप देखो यहाँ पे नाथ में CH2OH, CH2OH ये OH कहाँ है राइट हैंड साइड में, तो अभी भी डी होगा बट माइनस के साथ आपका लिखा जाएगा और ये होगा आपका 3OH, THREOH, ठीक है, तो डी आपकी 3OH यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप समझो एक बार और ध्यान से, ऊपर वाला सेक्शन क्या दिख रहा है आपको, एल्डो ट्रायोज, एक एडिशनल कार्बन को यहाँ जोड़ना, एडिशनल कार्बन को यहाँ पे जोड़ना, तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया OH को इधर, H को इधर कार्बन के साथ, इसका नाम होगा डी माइनस आपका E3OH, आते हैं स्ट्रक्चर पहचानने को। मैंने अगर एक कंडीशनल कार्बन यहाँ पे ऐड किया है आपके एल्डो ट्रायोज के साथ तो आपका बनता है डी माइनस 3OH, डी माइनस 3OH आपका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाकी मिलते जुलते स्ट्रक्चर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने E3OH की बात करी, तो E3OH क्या था वो एक बार देख लेते हैं यहाँ से, 1, 2 CH2OH OH HNH, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड, ये आपका है डी E3OH, ध्यान दो, ठीक है, इसकी वजह से आपका डी, बाकी OH आपको ऊपर वाला सेक्शन तो इस तरीके से ऐड किया गया आपको याद होगा, तो ये आपको दिख रहा है डी, देन माइनस और बाकी आपका हो जाएगा
E3Os, ठीक है, D3Os। अब इसके भी दो डिफरेंट में एक एडिशनल कार्बन फिर से यहाँ पे कर सकता हूँ, एक और मैंने कार्बन लिया, एडिशनल कार्बन मैंने यहाँ पे ऐड किया इसके साथ D3Os के साथ, तो देखेंगे दो पॉसिबिलिटीज फिर से हो सकती है। तो 1 2 3 OH OH OH, यहाँ पे H H H, लास्ट में आपका वही CH2OH और ऊपर आपका CH। इधर बात पॉसिबिलिटीज कर दो, 1 2 3 इस OH को अपन यहाँ लगा लेते हैं उल्टा, बाकी आपका यहाँ पे OH OH H H, जो एडिशन है ना उसको अपन यहाँ जोड़ रहे हैं ना, ये बात ध्यान रखना, एडिशन पार्ट को ना मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ और ऊपर आपका वही पे CH, लास्ट में आपका CH2OH। तो बताओ फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो OH ये देखो इसके रिसेप्ट में कहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो डी तो लग जाएगा, देन माइनस रहेगा, और इसको बोलते हैं राइबोज, ठीक है, दिस इज राइबोज। तो मैं क्या बोलूँ, अगर मैं डी E3Os के साथ एक एडिशनल कार्बन ऐड करता हूँ तो आपको मिलता है डी राइबोज, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। और अगर इसकी बात करिए सेकंड की, जहाँ पे OH को अपन ने इधर शिफ्ट किया है, तो इसको अपन बोलते हैं डी, डी फॉर्म क्यों, बिकॉज ये OH नीचे वाला राइट हैंड साइड में सी एच टू OH के रिस्पेक्ट में, इसका वो आपका डी, देन आपका यहाँ से माइनस, और इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एरिविनोज, दिस इज एरिविनोज, तो एरिविनोज आपको यहाँ से मिलेगा, डी एरिविनोज, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर। अब इसके ये तो मैंने आपको बताया यहाँ से, अगर आपका डी E3Os होगा तो अगर कार्बन ऐड करेंगे तो टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो डी रिबोज बन सकता है या आपका डी एरिविनोज बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही हम लोग अगर बात करें कि भाई डी E3Os बनाता ना फोर कार्बन वाला, एक E3Os भी बनाता तो पॉसिबिलिटीज हुई थी, तो डी E3Os को भी एक बार देख लेते हैं। एच ओ एच, वहां पे ओ एच देखो इधर था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ऊपर आपका वही एल्डिहाइड, यहाँ पे आपका सी एच टू ओ एच, इसका नाम आपका था यहाँ से देखो बिकॉज ऑफ ओ एच, तो यह आपका हो जाएगा डी, देन आपका यहाँ से माइनस, और वो था आपको याद होगा थ्रीओज, टी एच आर ई ओ एस ई, ठीक है, डी थ्रीओज। अब इस डी थ्रीओज के अंदर फिर से वही दो सेक्शन ले लेते हैं, एडिशनल कार्बन, एक एडिशनल कार्बन को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, एक इधर ऐड करेंगे, तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, उनके नाम क्या बनेंगे देखते हैं। 1 2 3 यहाँ से ओ एच एच एंड ओ एच ओ एच एच सी एच ओ नीचे सी एच टू ओ एच, ध्यान दो जो एडिशन पार्ट है ना उसको मैंने यहाँ पे जोड़ा है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है डी, देखो ओ एच कहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो डी तो रहेगा, बाकी आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव रोटेशन के बेस पे आता है, ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा जाइलोज, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर ध्यान में नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी पता होना चाहिए डी के साथ यहाँ पे क्या लगा है जाइलोज, तो जाइलोज आपका कैसे फॉर्म होगा वो समझ लो, आपका डी थ्री ओज ऊपर दे रखा है, तो डी थ्री ओज के साथ अगर एडिशनल कार्बन ऐड करते हो तो वहाँ पे वो अगर ये ओएच राइट हैंड साइड में दिखता है तो आपका बनेगा यहाँ से जाइलोज का फॉर्मेशन। डी क्यों है, डी इसकी वजह से है, और ये तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज की अगर बात करें तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे देखो सी एच ओ, और इस ओएच को अपन यहाँ लगा लेते हैं एच एच देन ओ एच, इधर आप हाइड्रोजन लगा लो यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन देन ओ एच या आपका सी एच टू ओ एच, बताओ चलो इसका नाम क्या होगा। यस आसान है बिल्कुल, क्या होना चाहिए इसका नाम, यस ये तो आपका यहाँ पे हो गया डी डायलोज, तो ये आपका होता है डी लाइजोक्स करके होता है, मैं इसका स्पेलिंग थोड़ा सा है आप ध्यान दो इसका, दिस इज दी डी, देन आपका यहाँ से माइनस, और ये आपका हो जाता है लाइजोज करके, ठीक है, एल बाई एक्स ओ एस ई, ठीक है, ये आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा आपका डी की वजह से, देख रहा है सी एच टू एच के ओ एच राइट हैंड साइड में, बाकी ओ एच को मैंने इधर शिफ्ट किया है, तो आपका लाइजोज हो गया, बाकी आपका यहाँ पे जाइलोज आपको देखने को मिलेगा। तो अब उसके बाद भी और भी कैटेगरीज हैं कि करिए यहाँ पे आपको डी लाइजोज मिल गया, डी लाइजोक्स आपको मिल गया, तो इन सब के साथ अगर मैं फिर से एक कार्बन ऐड करूंगा तो फिर क्या बनेगा, तो फिर एरिविनोज बनता है, और डिफरेंट कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखो मैं ना इसका एक बार आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, जस्ट वन सेकंड। यस तो जैसा देखो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे है ना, उसी को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। ये देखो आपका डिग्रेसिलिटी हाइट है, ठीक है, यहाँ से आपको इंटीरियर सेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और उसके साथ देखो मैंने एक एडिशनल कार्बोनेट किया तो आपको डी रिबोज मिल गया, डी आर इबिनोज, ठीक है, और यहाँ से आपका जाइलोज, यहाँ से आपका लाइजोज आपको मिल गया है।
वैसे इसको याद रखने का तरीका तो आसान है, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि देखो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, रिबोज मिल रहा है, यहाँ से रिबोनोज मिल रहा है तो आर ए हो गया, यहाँ से एक्स मिल रहा है, यहाँ से आपको लाइजोज मिल रहा है, तो आप ना इनको आर ए एक्स एल, तो आप यहाँ से ना रेक्सल करके बोल सकते हो इनको, लास्ट वालों को सिक्वेंस वाइज है आपका। इसके ऊपर वाले सेक्शन की बात करी जाए, देखो ऊपर सबसे ऊपर ग्रिसेल्डी हाइट मिल जाएगा, ग्रिसेल्डी हाइट के बाद आपको यहाँ पे इर्थ्रियोज मिल जाएगा, ये रहा, फिर आपका यहाँ से आपका थ्रियोज मिल जाएगा, फिर आपका यहाँ से आर का मतलब आपका रिबोज है, आप ये दो चार बार देखोगे, स्टडी करोगे, रीड करोगे तो समझ में आएगा, ये रिबोनोज है, फिर आपका यहाँ से जाइलोज आपको मिल जाएगा, लास्ट में आपको लाइसोज मिल जाएगा। तो आप इसको याद रखो इस तरीके से, गेट रेक्सल, दिस इज जी टी देन आपका रेक्सल, तो गेट रेक्सल करके आप इसको बिल्कुल ध्यान रख सकते हो। तो बिल्कुल आसान तरीका है, गेट रेक्सल ही जी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यस यस। इसके बाद देखो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे डी रिबोज हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, एरिबोनोज भी बनाया था, नेक्स्ट आपका जाइलोज भी बनाया था, ठीक है, इसमें हम रेक्सल के बारे में बात कर रहे थे, तीन अभी मैं दिखा। तो देखो यहाँ से अगर फिर से अगर मैं यहाँ पे एक एडिशनल कार्बन ऐड करता हूँ, यहाँ भी एडिशनल कार्बन है, यहाँ भी एडिशनल कार्बन है, ये भी एडिशनल कार्बन है, ठीक है, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो ये एडिशनल कार्बन यहाँ पे ऐड हुआ है, तो देखो वही लेफ्ट हैंड वाला सीक्वेंस है, एक बार वो यहाँ पे ऐड किया, एक बार वो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में, देन लेफ्ट हैंड साइड में, देन राइट हैंड साइड में, देन लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी ऊपर जो मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं होने वाला, वो बिल्कुल सेम है। आपको डीएल डिसाइड करना है तो नीचे वाला जो CH2OH है उसके रिस्पेक्ट में आपको ये चेक करना है, ठीक है, देखो हर जगह आपको राइट हैंड साइड में ही मिल रहा है, तो डी आपको देखो, बाकी नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका डी एलोज बनेगा, एल्ट्रोज होगा, ग्लूकोज होगा, मैनोज होगा, ग्लोज होगा, और आपका आइडोज होगा, है ना, तो ये आपको जो नाम है ना वो बिल्कुल सही ढंग से आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना। अच्छा इसी के साथ मान लो आपका एक फॉर्म और यहाँ पे बचेगा, जैसे यहाँ पे था आपका लाइजोब्स, तो इसके साथ कोई एडिशनल कार्बन अपन ने फिर से यहाँ पे ऐड किया है, तो वो कार्बन ना इस पोजिशन पे जाकर ये ऐड होगा, अभी OH को लेफ्ट राइट में शिफ्ट करना है, जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, देखो ये राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड, यही चेंज करना है, बाकी नीचे जो बाकी सेक्शन जो ये दिख रहा है ना इसमें कोई चेंज नहीं होगा, देखो वो एज इट इज आपको मिलेगा, तो OH देखो राइट हैंड साइड में, तो इसलिए आपका डी गैलेक्टोज ये मिलेगा, डी टेलोज ये मिलेगा, तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ से आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री की डिफाइन हो रही है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर है। यस यस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टीरियो केमिस्ट्री का नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे जो आपका एल्डोजिस है ना, इसको हम लोग एक बार देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो देखो अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आपको दे देगा, आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर 1 2 3 4, अब बोलेगा कि भाई बताओ इसका नाम क्या है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप ध्यान दो यहाँ पे, देखो टोटल कार्बन कितने हैं यहाँ से आपके, 1, ये आपका 2 3 4 5 6, क्वेश्चन आ सकते हैं 6 कार्बन के ऊपर है, आप ये सारी प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो देखो पहले मैंने OH क्या किया है, सारे के सारे मैंने राइट हैंड साइड में आपके रख दिए, ठीक है, ऑल OH एंड राइट हैंड साइड, तो ये अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था, अगर आपको पता है तो वहां से मैंने आपको ये देखो आपने कहा डी एलोज, भाई डी क्यों, OH आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, तो डी एलोज जो फॉर्मेशन आपका हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, भाई जब मैंने रिबोज के साथ, आपको पता है मैं जब बात कर रहा था डी माइनस रिबोज, तो डी रिबोज के साथ अगर एडिशनल कार्बन ऐड करेंगे और इसमें ये OH राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा आपका डी एलोज, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, और अगर यही OH अगर आपका ये OH अगर इधर जाता है लेफ्ट हैंड साइड में तो बनता डी डी एल्ट्रोज जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, देखो बस ये आपका गया लेफ्ट हैंड साइड में तो डी आपका हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद मैंने बात करी थी नेक्स्ट सिक्वेंस को लेके कि भाई आपका डी एरिबोनोज था, याद करो डी एरिबोनोज, अब डी एरिबोनोज के अंदर वही मिलता है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज मिलता है डी एरिबोनोज से, क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, ऊपर दे रखा है ध्यान दो, ये जो आपका दे रखा है स्ट्रक्चर ये आपका डी एरिबोनोज से बनना है, डी एरिबोनोज क्या था जरा आप याद करो, इस तरीके से ना यहाँ पे CHO था, ये H OH एक एडिशनल कार्बन किया था ना इसके साथ, देन OH देन H, डी सेक्शन होगा तो OH इधर, H इधर, नीचे आपका CH2OH, इसके साथ अपन ने एडिशनल कार्बन जब लेके आए थे है ना, तो यहाँ पे अपन ने ऐड किया था और वो OH आपका इधर था H इधर, जो क्वेश्चन में जो दे रखा है देखो OH OH की पोजीशंस आपको ये दे रखी है, आप ध्यान दो ये OH, तो नया आपका कार्बन ना यहाँ पे ऐड किया गया है, बाकी देखो पोजीशंस में कोई चेंज नहीं, आप दोनों साइड पकड़ के देख लो है ना, आप यहाँ पे कंपेयर कर लो इसके साथ,
तो यही देखो डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज किससे बनता है ध्यान रखना है, डी एरिबनोज इंपोर्टेंट लास्ट आपको दे रखा है। तो देखो इसमें इसमें सिंपल सा क्या है कि देखो ये मॉडिफिकेशन किया गया है तो ये भी आपके एरिबनोज से ही बनेगा, बट यहाँ पे ओएच देखो राइट हैंड साइड में, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ओएच को जोड़ दिया, तो डी एरिबनोज के साथ अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ते हैं ओएच तो फिर मिलता है डी मैनोज मिलता है, डी प्लस मैनोज, प्लस माइनस आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, डी मैनोज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ देखो बेसिक से सिक्वेंस है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्लियर है ना। ओके देखो इसमें भी आपको मैं करता हूँ एक्सप्लेन। नेक्स्ट देखो हम लोग एल्डोज के जितने भी लास्ट आपके रिजल्ट हैं उन पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखो क्या किया गया, हम लोगों ने जाइलोज पढ़ा था, आपको याद है जाइलोज का क्या था स्ट्रक्चर, अगर आप याद करो कुछ इस तरीके से था, ये सी एच ओ था, यहाँ पे ओ एच, देन एच, देन ओ एच, लास्ट में था आपका सी एच टू ओ एच, बाकी लगा लो यहाँ पे आप हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा लो आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका यह है डी जाइलोज, ध्यान दो डी एक्स बाई एल ओ एस डी लाइन जाइलोज। अब डी डाइलोज जो दे रखा है डी इसकी वजह से है, इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन अपन ने ऐड करेंगे, देखो ओ एच में यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है भाई, हाँ इसको मैंने ऐड किया है ना तो ओ एच को मैंने पे राइट हैंड साइड, बाकी देखो ओ एच का यहाँ चेंज नहीं है, यहाँ भी चेंज आपका नहीं किया गया है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपका ओ एच होगा राइट, और यहाँ भी ओ एच में देखो तो नीचे जो तीन कार्बन इसमें कोई चेंज नहीं, आप जरा कंपेयर करो इसके साथ, बस एक नया ऐड किया गया तो ओ एच को मैंने राइट हैंड साइड में लगा दिया है, तो इसका नाम क्या बनता है ग्लूकोज बनता है, याद करो जी यू एल ओ एस डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज बनता है। फिर अगर वही ओ एच को मैंने क्या कर दिया राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर, बाकी देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, तो देखो इसका नाम जो पड़ेगा आपका दिस इज कॉल्ड आइडोज। फिर इसके बाद आपको बताया था मैंने इसकी सिर्फ एक रिवीजन की तरीके हम देख रहे हैं, फिर जो आया था आपका लाइजोक्स आया था याद होगा, जिसमें मैंने भाई लाइजोक्स आपका जो फॉर्म हुआ था उस लाइजोक्स के अंदर आपका बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो ये आपका यहाँ से एल्डिहाइड होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओ एच, यहाँ से आपका ओ एच ओ एच एन हाइड्रोजन, लास्ट में था आपका सी एच टू ओ एच, तो एक नया जो कार्बन आएगा उसको अपन ने यहाँ पे ऐड करना है, तो एक बार हम राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज है बस। तो देखो एक बार मैंने आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐड किया फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका है लाइजोस है एल बाई एक्स ओ एस, यहाँ से आपका क्या बनाता है याद करो गैलेक्टोज, ठीक है, ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये आपका टैलोज का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इन चीजों को बिल्कुल सही ढंग से ध्यान रख सकते हो। यस, तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और सेकेंड लेक्चर हम लोग बात करेंगे इसके बाद, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।